बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो है रशियन सैलड। रशियन सैलड के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मैक्रोनी एक बाउल हम लेंगे, चिकन हम लेंगे एक पाव इस क्यूब्स में काट लेंगे, बोनलेस लेंगे, मेयोनीज चाहिए हमें एक कप, स्प्रेड चाहिए हमें हाफ कप, कॉकटेल फ्रूट मिक्स फ्रूट हमें चाहिए एक कप, काली मिर्च चाहिए हमें एक पिंच, चीनी हमें चाहिए दो चम्मच, नमक भी हमें चाहिए एक पिंच। मैक्रोनी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी में मैक्रोनी डाल, पानी जब बॉईल हो जाए उसमें मैक्रोनी डालनी है, एक चम्मच ऑयल डालना है और एक चम्मच की नमक डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल होने के बाद इसको ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर लेना है किसी बर्तन में निकाल के, और चिकन को हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। हमारे चिकन के क्यूब्स हो गए हैं, अभी इनको भी हम बॉईल कर लेंगे। मैक्रोनी हमारी बॉईल हो गई है, अब हम इसके लिए जिन चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है उन चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। मेयोनीज एक कप, स्प्रेड हाफ कप, टू टेबल स्पून हम शुगर ऐड करेंगे इसमें, वन पिंच नमक, वन पिंच की काली मिर्च, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हमारा चिकन जो है वो बॉइल हो चुका है, ठंडा कर लेंगे निकाल के इसको किसी बॉल में। मैक्रोनी भी जो हमारी बॉइल हो गई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स फ्रूट ऐड करेंगे, चिकन जो बॉईल करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे, और जो स्प्रेड मेयोनीज शुगर काली मिर्च और नमक जो चीज़ें हमने मिक्स की थी और उनको ग्राइंड कर लिया है वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे रशियन सैलड तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये मेयोनीज जो है ये जज़ब कर लेगी, मैक्रोनी और बाकी चीज़ें जो है जज़ब कर लेंगी अच्छे से, और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। रशियन हमारा फ्रीजर में रखा था ठंडा हो गया, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे।
ये हमारा रशियन सैलड तैयार है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।